got a body like a goddess. And she talks so sweet. It's like I can't believe I'm the one that she wanted. And if I'm really being honest, I know I could be everything she needs if she let me get on it. Check this, bro. Bhai saab. The real heaven on earth is here. अरे बारिश हो रही है वैसे तो. और भाई जो गच्छ हो रहा कति गच्छ हो रहा है. और जो यो हरियाली आप देख रहे हो ना भाई, यो सिर्फ आपको दिखाएगी मानसून के सीजन में. इसके अलावा भाई कभी ना दिखाएगी. जिस टाइम हम आए करें केदारनाथ, उस टाइम तो भाई ऐसा बिल्कुल भी ना रहा. और इतना ब्यूटीफुल लग रहा है यो पूरा सीन. वहाँ देखे एक बार सामने, ऐसा लग रहा पता ना कौन से विदेश में घूम रहे हैं हम. और बहुत प्यारा सीन आ रहा है भाई. अब बारिश आ रही है, वापस गाड़ी में बैठना पड़ेगा, नहीं भीग जाएंगे हम यहीं पर. वो बैठे मारे महादेव. ये देख लो भाई कितनी प्यारी लग रही है. गाड़ी आती हुई भी कितनी प्यारी लग रही है भाई साहब. यो के होगो देखो, एक ये गाड़ी पलटी पड़ी है और ये पीछे ट्रक पलटा पड़ा है. पुलिसिया भी आ रखे हैं. सो फाइनली भाई वी रीच आवर डेस्टिनेशन. ये जो भाई आप नदी देख रहे हैं, इसका नाम है भागीरथी नदी. और वो जो वहाँ से आ रही है वो है भाई अलकनंदा. और इन दोनों का जो मिक्स है ना, ये हो रहा है यहाँ पे, संगम हो रहा है ना यहाँ पे. ये बन के जा रही है भाई सीधी, ये हो रही है गंगा. ठीक है, इसका नाम है गंगा. और भाई कलर देख लो आप, कैसा कलर है भागीरथी का. और वो रही भाई अलकनंदा. मैं पहले सोच रहा था कि ये वो है मंदाकिनी और अलकनंदा, पर मंदाकिनी भाई पीछे रहती है, वो वाली है ना जो गंगा जी है, वो क्या नाम है अलकनंदा. अलकनंदा और मंदाकिनी मिलकर अलकनंदा बनती है, क्योंकि अलकनंदा बड़ी थी. और यहाँ के बनती है भाई ये गंगा. बाकी अभी चलते हैं, शायद देखते हैं भाई कहीं ना कहीं से नीचे जाने का कुछ ना कुछ होता है, वहाँ नीचे जाते हैं, फिर देखते हैं भाई क्या करते हैं. ठीक है, जा रहे हैं अभी. फिलहाल हमने अपने सारे सभी ने देख लो टावल निकाल रखे हैं, क्योंकि बारिश हो रही है बाहर. और हम जा रहे हैं नीचे भागीरथी नदी पे, देखते हैं भाई कैसा. ठंडा पानी तो देखो कर रहे नहीं है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी आता है इस टाइम. और दोपहर है नहीं अभी, बाकी देखते हैं. चलो नीचे चल के क्या सीन है ना. रोक ले मित्र, जमा दिक्कत होगी भाई, जमा दिक्कत होगी भाई. चलो भाई, वैसे हम लेग डे करके आ रहे हैं, पैर भरे पड़े हमारे दोनों के. हाँ बारिश तो हो ही ना रही है भाई यहाँ पे, है ना. कॉपी कैट्स, वी आर कॉपी बिलोटा. सिस्टम पार्ट थे नीचे बाबा की. नीचे जाना है भाई, यही है. ठीक है, आ जा यार. राम झूला लक्ष्मण झूला जय स्वागति भाई. एक बार नीचे देख लो कितनी विशाल है वो भागीरथी नदी है. ये देख लियो बेटा, तौलिया भी ले जाएंगे. क्या बोल रहे लो भाई, ये रहा महासंगम. लो भाई ये है वो पॉइंट जहाँ पे ये आ रही है भाई, कौन सी है अलकनंदा. और ये है भाई कौन सी, मैं भूल गया यार. भागीरथी भाई, ये वाली नदी है भागीरथी, ये है अलकनंदा. और यहाँ पे मिल रही है, यहाँ से बन रही है भाई गंगा. और जो गंगा जल होता है वो भी मेन यहीं से बन रहा है. तू आर्टिफिशियल गंगा जल बनाएगा? अच्छा, कहाँ जा रहा है ओ, वो देख गिर का बक्या. दो बार गिरे. ओ पानी आ गया यार कैमरे पे, लग रहा हूँ पिंडा को नीचे उड़ता तेरा. तन्ने भी यही जगह मिली थी. थक गया,
हम भाई वहां तक गए घाट तक, बिल्कुल जहाँ पे नहाना है वहां तक गए। वहां तक फिर अपने जय सिंह गया था बाथरूम, इतने में हम वापिस आ गए कपड़े लेने। अब बेचारा जय सिंह रो रहा है क्योंकि ये वापिस आ गया आधे रास्ते। हमने कही कहाँ जा रहा है, मैं तुम्हारे पीछे। हमने कही भाई हम तो कपड़ा लेने गए, अब रो रहा है तुम मारोगे। कोई नहीं भाई, स्कैम ऐसा चलता रहता है। काम हो गया तू हिल रहे, बता दे निखिल तू हिल रो ना, हिल रो निखिल खड़ो हो रहा है, खड़ो रहा है, जड़ा खड़ो रहा है। अपने आप पता लग जाएगी हिल रो ना हिल रो, करंट से पता नहीं करो फिर। क्या है, क्या है, क्या है जैसे चलो भाई कहां चल के क्या है, क्या करवा का हो भाई, दो सीढ़ी तक भी करो भाई। जस्ट अभी है ना, कौन सी है यार है? भाई जस्ट अभी अलकनंदा नदी के अंदर डुबकी मार के आ रहे हैं, काफी ज्यादा ठंडा पानी है, हालत खराब हो गई है। और अब आ रहे हैं भाई हम संगम में, तो हो गए थे भाई एक बार, पर वहां एक साथ इतना बहाव बढ़ा है कि एक साथ डूब ही गए, यहाँ बढ़ गया भाई। बहुत कड़ी बारिश हो रही है पीछे, और अब जा रहे हैं हम कौन सी अरे मंदा के भागीरथी में। हाँ अब जा रहे हैं भागीरथी में, ठंड लग रही है भाई बहुत ज़्यादा, डिप्स मारने की कोशिश करी आधी लग रही है, मेंढक की तरह उछल रहा है जड़ा। ये देख लो भैया, क्या रही भैया, कौन सी भागीरथी। चलो अब भागीरथी में बढ़ते हैं। ओम ओ भागी, ठंडा है बहुत, ठंडा पानी भाई, बहुत तगड़ा पानी। हाथ पैर कांप गए, बोल शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। भाई कती भाई बारिश आ रही है ऊपर से, फोन में मेरे को नहीं पता भाई कैसी वीडियो बन रही है, पर हाँ मजे आ रहे हैं। बहुत दिन ये दिन भी याद आएंगे भाई। भाई हम तो टाइम तो आ गए अपने, पाप भी निकल गए भाई हैं। अरे मान तो अच्छा टाइम तो आ जाओ अंब ना भाई, हम बस हमने गुड़गांव बस स्टैंड तक अपनी टिकट बनवाओ, ठीक है तो डुबकी मार आ जाओ। आईएस ब्यूटी फिर अरे मान तो अच्छा है तो मार जोन का आ जाओ भाई, ओ हाथ कांप रहे हैं। अरे मां आओगे ना अभी वापस ना जाओगे, हां और एक्सीडेंट हो रखो बढ़िया भाई रास्ते में। जिस टाइम हम आए थे ना यहां पे दो पिलर साफ दिख रहे थे, जहां तक भाई ये वो हो रहा है ना संगम, वहां पे साफ पिलर दिख रहे थे। और इस टाइम देख लो बहाव कितना बढ़ गया, और भाई अलकनंदा का बहाव देखो ऐसा लग रहा है पता नहीं कौन सा गुस्सा है, पर ये आ रही है भाई माना गांव से, जो कि सरस्वती से निकल, जहां से सरस्वती नदी निकलती है ना वहां से, और ये आ रही है भाई अपनी दूध गंगा से होके केदारनाथ होकर। मेरा निखिल जय सिंह, वो भाई जय सिंह राव देखो और वो खड़ा अपन इस जगह को कर रहे अब टाटा, अपन निकल रहे हैं यहाँ से। बाकी यहाँ पे आने का मेन रीजन क्या है वो मैं बताता हूँ। मेन रीजन है कि हम यहाँ पे क्यों आते हैं, हरिद्वार या फिर उत्तराखंड में ही क्यों आते हैं, तो उसका रीज़न बता देता हूँ मैं आपको कि भाई यहाँ पे है ना जितनी शांति मिलती है ना उतनी मेरे को नहीं लगता भाई
पूरे ऑल ओवर इंडिया कहीं मिलती है, अगर हाँ मिलती होगी तो मंदिरों के साइड मिलती है, बाकी ऐसी कोई जगह नहीं है। जैसे आप शिमला मनाली गोवा वगैरह जाते हैं ऐसी जगह पे भाई बिल्कुल भी शांति नहीं मिलती मेरे को। मेरे को सबसे अच्छी शांति यहाँ पे मिलती है। मैं फॉरेन हो आया पर वहाँ पे भी इतना कुछ भी नहीं, दिमाग ख़राब था बस, और वहाँ तो यार कुछ खाया पिया भी ना, अपने भूखे गए भूखे आए, वेटर ऐसा तोड़ रहा था उस टाइम। तो बाकी भाई मेरे को काफ़ी मज़े आए, आप अपने बता देना। और भाई मैंने ना काफ़ी शॉट्स डाले नहीं है इसमें, जैसे लैंडस्लाइड के रास्ते में कम से कम नहीं 70-80 जगह लैंडस्लाइड थी। पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा था हकीकत में, लिटरली से अब तक है ना कब कभी चढ़ रही है, पर हाँ पानी के अंदर जाने के बाद निकलने का मन नहीं कर रहा था। और एक पॉइंट ऐसा आया था मैं और निखिल दोनों डूब गए थे। अब दोनों भाई शॉपिंग कर रहे हैं, थोड़ी सी कट्टी वगैरह ले रहे हैं, बोलेंगे क्या नाम है गंगा जल लेंगे यहाँ से, क्यों यहाँ से भाई गंगा जी बनती है, मेन गंगा जी यहाँ से बनती है, तो यहाँ से गंगा जी गंगा जल भर के फिर निकलते घर के लिए। ठीक है चलो मैं दिखाऊंगा आपको गंगा जल कैसे बनाते हैं। अभी ये है भाई भागीरथी नदी, इसका मैंने 50-50 ml तीनों कट्टियों में डाल लिया है। अब जाना है भाई अलकनंदा नदी पर और वहाँ पे उसका 50-50 ml करके तब बनता है भाई अपना गंगा जल। ठीक है तो अब चलते चल के दिखाते हैं, और भाई जीव लड़खड़ा रहे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है मेरे को, अभी पानी में से निकल के आया हूँ, हालत ख़राब है भाई मेरी। लो भाई 50 ml भागीरथी वाटर, 50 ml अलकनंदा वाटर, 100 ml गंगा जल। हाँ जी भाई, तो आप है ना एक बार देखो ये पीछे जो ऊपर से रास्ता देख रहे हो ना, ये जा रहा है भाई केदारनाथ बद्रीनाथ टुंगनाथ और एक दो नाथ और हैं, नहीं कोई भी नहीं है वैसे मजाक कर रहा हूँ, तीनों जगह जा रहा है भाई ये रास्ता। और दूसरा एक हम आ चुके भाई ऊपर, अपनी देखो वाहन वो खड़ा, ये नदी मिल रही है अपनी गंगा जी, तो इसको करते हैं आज टाटा अभी के लिए, फिर दोबारा आएंगे कभी, जल्दी आएंगे भाई बहुत जल्द आएंगे, टेंशन ना लो। और ये देख लो भाई क्या नज़ारा हो रहा है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, और भाई जितने ये पहाड़ खूबसूरत लग रहे हैं ना उससे ज़्यादा डेंजरस है, आपने देख भी लिया होगा एक पीछे एक दो एक्सीडेंट भी हो रखे हैं। और देखो भाई ये एम्बुलेंस जा रही है, वहीं से आ रही है जहाँ एक्सीडेंट हुआ था वहीं पर खड़ी थी उस टाइम ये है। और आप भाई जितने प्यारे लग रहे हैं ना उतने ज़्यादा ख़तरनाक है ये। दूसरी चीज़ भाई जो मौसम रहता है ना मानसून का, ऐसे मौसम में भाई नहीं आना चाहिए पहाड़ों पर क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होती है जैसे इस टाइम हो रही है यहाँ पे। बाकी मैं चलता हूँ अब गाड़ी में और निकलते हैं ऐसे जल्दी। ठीक है तो फाइनली अपन हो चुके हैं फ्री। और जय सिंह कितना खर्चा आ गया होगा अभी ना, तू बता निकल तो बताओ ना सोच रहा हूँ मिनिमम सात आठ हजार भाई 7-8 हजार हम और करना क्या है 8 हजार को भाई नहा लो पाप धोना है अपने धो के बह जाते हैं पीने लगने ना अपना ऐसा ही है अपना तो है भाई बह जाते हैं हकीकत में बह जाते हैं आज अचानक एक साथ पता कितना भाव बढ़ा पहले चेस्ट पे आ रहा था चेस्ट से सीधा डूब गए इतना भाव बढ़ गया अलकनंदा ना भाई बहुत गुस्सा वाली नदी है बहुत ज्यादा गुस्सा वाली है किसी भाव किसी ने बढ़ा रखो तब चलने की जरूरत है भाई बहुत गंदा भाव था एक साथ बढ़ा था अचानक ही और उस टाइम वो तो सही है हम पे बेल थी और उस टाइम थोड़ी देर मात्र 2-3 सेकंड पहले हम पे बेल भी ना थी बाकी कुछ भी कहो यार मजे काफी आए ठंडा भाई इतना ठंडा पानी बोला ना जा रहा कुछ करा ना जा रहा हाथ ना चलाए जा रहे वीडियो ना बनाई जा रही भाई एक डुबकी मारते सिर कान मारा से सुन लो भी पता लग रही कैसे की सांस की सांस की ना सुन कति मामला डेड कति बिल्कुल भाई ब्लैकआउट करते हैं झटके तक। बाकी आज का व्लॉग भी भाई यहीं पे एंड करते हैं, होप यू एंजॉय, अगर अच्छा लगा हो तो हिट लाइक डू सब्सक्राइब ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम डिस्क्रिप्शन में आईडी दे ही रखे भाई तीन उनकी। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में ठीक है। जय श्री राम जय भोलेनाथ जय श्री राम भाई जय भोले बाबा पीछे वाले तो देख लो एक बार।